बता रहा था क्रियाशीलता या परिवर्तन का सिद्धांत, तो परिवर्तन प्रकृति के जड़ पदार्थों में भी और चेतन पदार्थों में भी, भौतिक तत्वों में भी और मानवीय तत्वों में भी क्षण प्रतिशत चलता रहता है। थोड़ा अवरोध आ गया था, फोन आ गया था मेरा और उसमें थोड़ा वीडियो में थोड़ा इफेक्ट था, कोई दिक्कत नहीं। तो ये परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इस पृथ्वी पर, पृथ्वी से बाहर वायुमंडल में भी, जैविक समुद्र में भी क्षण प्रतिक्षण प्रत्येक पदार्थ में, चाहे वो जैविक पदार्थ हो, चाहे वो अजैविक पदार्थ हो, जड़ पदार्थ हो, चाहे चेतक पदार्थ हो, उसमें क्षण प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। अतः मैं कहता हूं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ठीक है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इस परिवर्तन के लिए पृथ्वी पर और मानव जैविक जगत में और जैविक तत्वों में और अजैविक तत्वों में जो परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन के लिए कुछ कारक ऐसे हैं जो जिम्मेदार है। भाई प्रश्न उठता है तुम्हारे विचार में, परिवर्तन होता किससे, परिवर्तन होता क्यों है, किन कारणों से होता है। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, यह तो आपने पढ़ लिया, लेकिन परिवर्तन होता किन, किसके माध्यम से, किन तत्वों के माध्यम से, उसके लिए कौन सी शक्तियां हैं ऐसी जो पृथ्वी पर कार्य करती है, जो परिवर्तन लाती है, परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। नहीं, जैसे तुम में जो परिवर्तन हो रहा है जैविक शक्ति के द्वारा, इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी पावर तुम्हारा घट जाएगा तो तुम क्या रोगी हो जाओगे और आप समय से पहले समाप्त हो जाओगे, आप पूरा जीवन चक्र या विभिन्न अवस्थाओं से होकर के नहीं गुजरोगे। तो ऐसे ही जैसे हमें जैविक शक्ति या हमारा खान पान, हमारा वातावरण, परिवार का रहन सहन, वेशभूषा, ये हमें परिवर्तन करते हैं, जैविक शक्ति के द्वारा हमें परिवर्तन होता है, ऐसे प्रकृति के जड़ और चेतन पदार्थों में जो परिवर्तन होता है उसके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, वो कारक हैं, वो कारक मैं आपको बता रहा हूं। इसका पहला है भौतिक कारक, भौतिक कारक। इसमें भौतिक कारकों को कई भागों में माना गया है, पृथ्वी के ग्रहीय संबंध, पृथ्वी के ग्रहीय संबंध, ये पहला कारक है भौतिक कारक में। दूसरा है पृथ्वी की आंतरिक शक्ति, ये तो भौतिक शक्तियां, दूसरी जैविक शक्तियां, और तीसरी मानव शक्ति। ये पृथ्वी पर परिवर्तन लाने वाली शक्तियां हैं। तो भौतिक शक्तियों में तीन है, पृथ्वी की ग्रहीय संबंध, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां, सौर शक्ति और गुरुत्वाकर्षण शक्ति। भौतिक शक्तियों में पहला है पृथ्वी के ग्रहीय संबंध। तो पृथ्वी के बारे में आप जानते ही हो, पृथ्वी सौर मंडल का एक ग्रह है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि और वरुण, ये सभी ग्रह हैं। ये नौ ग्रह आपको विदित है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के साथ साथ ही ये अपने अक्ष पर भी परिभ्रमण करते हैं। तो जैसे पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर परिभ्रमण करती है और एक वर्ष में सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करती है, तो पृथ्वी स्वयं स्थिर नहीं, क्रियाशील है, सक्रिय है। तो अब इसमें इससे परिवर्तन क्या होता है, शक्ति से
पृथ्वी के ग्रहीय संबंधों से परिवर्तन क्या होता है कि भैया जी किससे दिन रात बनते, दिन रात की अवधि प्राप्त होती है, वर्ष की अवधि प्राप्त होती है, ऋतु परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। तो इनसे ये सभी पृथ्वी की जो ग्रहीय संबंध है, पृथ्वी एक ग्रह है तो ग्रह के रूप में उस पर जो क्रियाएं होती है परिक्रमण दिन रात का बनना, ऋतु परिवर्तन, वर्ष की अवधि, ये सारी जो क्रियाएं ये हमको क्या हमारी क्रिया हमको प्रभावित नहीं करती जैविक शक्तियों, जैविक शक्तियों को भी प्रभावित करती है, मानवीय शक्तियों को भी प्रभावित करती है, वातावरण को वायुमंडल में भी परिवर्तन लाती है। तो ये पृथ्वी के जो ग्रहीय संबंध है ये क्षण प्रतिक्षण क्या करते रहते हैं, परिवर्तन लाते रहते पृथ्वी में। और दूसरा है पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां, पृथ्वी पर दो प्रकार की शक्तियां कार्य करती हैं, आंतरिक शक्तियां और बाह्य शक्तियां। आंतरिक शक्तियां जो हैं वो दो प्रकार की, एक तो बहुत लंबी अवधि तक चलती दीर्घकालीन शक्तियां होती हैं और एक आकस्मिक शक्तियां। दीर्घकालीन शक्तियों में तुम जानते ही हो महाद्वीप निर्माणकारी शक्तियां और पर्वत निर्माणकारी शक्तियां। पृथ्वी पर दो शक्तियां कार्य करती हैं, आंतरिक शक्तियां और बाह्य शक्तियां। आंतरिक शक्तियों में दीर्घकालिक शक्तियां जिसमें पर्वत निर्माणकारी और महाद्वीप निर्माणकारी शक्तियां होती हैं, और आकस्मिक जो शक्तियां उसमें भूकंप और ज्वालामुखी। दो तो ये आंतरिक शक्तियां हैं, दो बाह्य शक्तियां जिसको अनाच्छादन कहते हैं, रेमुनेशन अनाच्छादन कहते हैं। आंतरिक शक्तियां पृथ्वी पर क्षण प्रतिशत परिवर्तन ला के देती, कई महाद्वीपों का निर्माण किया, कई महासागरों का निर्माण किया, कई पर्वतों का निर्माण, कई पठारों का, कई मैदानों का, कई घाटियों का, कई पृथ्वी किसी भाग में भूकंप आ रहा है, किसी भाग में ज्वालामुखी आ रहे हैं जो कुछ ही समय में अकस्मात रूप से प्रकट होते हैं, अकस्मात रूप से पृथ्वी पर अनेक प्रकार के तत्वों में परिवर्तन कर देते हैं। समझे कि नहीं, यार जब पहले कैसे महासागर था वहां आज हिमालय पर्वत है, तो ये परिवर्तन का ही तो परिणाम है। ठीक है कि नहीं, राजस्थान के पश्चिम राजस्थान में होकर के पहले सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी लेकिन वर्तमान में मरुस्थल, तो ये परिवर्तन ही तो हुआ है वातावरण में। परिवर्तन नहीं होता तो ये परिणाम हमारे सामने कैसे आते। लेकिन ये परिवर्तन होते ही जो है दीर्घकालीन शक्तियों द्वारा लंबे समय तक परिवर्तन चलता रहता है, लेकिन वो परिवर्तन हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके परिणाम है जो वो हमारे सामने आते हैं। जैसे हिमालय हमारा परिणाम, कैथिस महासागर विलुप्त हो गया, ये परिणाम हिमालय आज वहां पर खड़ा हुआ, ये परिणाम हमारे सामने आया। लेकिन ये कब, अब भी वर्तमान में हिमालय धीरे धीरे ऊंचा उठ रहा है लेकिन हमको दिखाई नहीं देता। जैसे तुम फसलें हैं, फसलों में क्षण प्रतिशत परिवर्तन होता रहता है, भाई वो तुमको ज्वार बाजरा गेहूं चना सरसों जो भी कुछ बोते हो, पेड़ पौधे भी लगाते हो, वृक्ष लगाते हो, तो उनमें क्षण प्रतिशत क्या होता रहता है, परिवर्तन ही होता है। लेकिन तुम उसके सामने बैठ जाओ, उसके 24 घंटे उसके पास बैठ जाएगी पेड़ पौधे या वनस्पति के, उसमें उस परिवर्तन को आप दिखाई देख नहीं सकते, लेकिन उसमें क्षण प्रतिशत हो क्या रहा है, परिवर्तन हो रहा है, वो छोटे से बड़ा हो रहा है। समझे कि नहीं, तो इस परिवर्तन को हम घटित होता हुआ नहीं देख सकते, उसके परिणाम हमारे सामने आते हैं। भाई अब इतने बड़े हो गए, अब इतना बड़ा हो गया, अपने अभी ये घोंटू घोंटू ज्वार है, अब कमर तक ज्वार रह गए, ज्वार बाज रहे, अब मुंह रह गए, अब बाल निकल आएंगे, काट के नंबर आए। तो ये सारी चीजें, ये हर चीज इस परिवर्तन को हम दिखाई नहीं देता ये परिवर्तन, लेकिन ये दीर्घ अवधि तक होता रहता है, क्षण प्रतिशत चलता रहता है। तो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां क्षण प्रतिशत पृथ्वी पर परिवर्तन लाती है। परिवर्तन लाने के लिए बाह्य शक्तियां और आंतरिक शक्तियां जिम्मेदार है। आंतरिक शक्तियों में भूकंप और ज्वालामुखी और पर्वत निर्माणकारी शक्तियां और महाद्वीप निर्माणकारी शक्तियां। समझे नहीं, बाह्य शक्तियां आंतरिक शक्तियां पृथ्वी पर हर क्षण परिवर्तन लाती है, विषमता पैदा करती हैं, और बाह्य शक्तियां जो पृथ्वी को ऊपर धरातल पर कार्य करती हैं, ये उन असमानताओं को जो पृथ्वी पर आंतरिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न जो असमानताएं हैं उन असमानताओं को मिटाने का कार्य करती है। तो उससे भी परिवर्तन होता है, उनसे भी परिवर्तन होता है। समझे नहीं, दोनों रूपों में परिवर्तन होता है। बाह्य शक्तियों में अनाच्छादन की शक्तियां जिसमें ऋतु और परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन से चट्टाने और स्थल रूप में या भू रूप में उनमें क्षण प्रतिशत अपरदन के द्वारा ऋतु पक्ष द्वारा चट्टाने अपने ही स्थान पर टूटती रहती है, सेलचूर्ण में परिवर्तित होती रहती है। और दूसरा जो कारक है ऋतु परिवर्तन के अलावा अपरदन है, अपरदन में
तीनों शक्तियां निहित हैं, वो चट्टानों को तोड़ दीजिए, टूटे हुए पदार्थ का परवहन करती है और परवहित पदार्थ का निक्षेप कर देती है, जमा कर देती है, उससे अनेक स्थल रूपों का निर्माण हो जाता है, जैसे बियाकारी घाटी गॉर्ज कैनियन समझे, बाढ़ के मैदान समझे कि नहीं, गॉर्ज और यारदन जूजेन समझे कि नहीं, हिमसेलवर्ग पलसला कारा छत्रक, ये तमाम स्थल रूप जो है अपरदन के पांच सक्रिय कारक है, नदी हिमानी बहता हुआ जल नदी कहते हैं, हिमानी नदी भूमिगत जल समुद्र के कार्य और हवा समुद्री लहरें और ये पृथ्वी पर अपरदन के सक्रिय कारक हैं, जो शैलों को तोड़ते हुए टूटे हुए पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान पर परवहन करते हैं और जहां भी इनकी शक्ति छीन हो जाती है वहीं टूटे हुए अपने साथ लागू पदार्थ का निक्षेप कर देती है, जमाव कर देती है, तो इससे अनेक नए स्थल रूपों का नए भूरूपों का निर्माण होता है, तो ये परिवर्तन प्रकृति पर क्षण प्रतिशत चलता रहता है, आंतरिक शक्तियों द्वारा भी परिवर्तन होता है और बाह्य शक्तियों द्वारा भी परिवर्तन होता है, तो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां और बाह्य शक्तियां पृथ्वी पर क्षण प्रतिशत परिवर्तन लागू रहती। तीसरा है सौर शक्ति, सौर शक्ति सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, पृथ्वी पर क्षण प्रतिशत वनस्पति जगत जैविक जगत सब इससे प्रभावित होता है, अगर सूर्य 10 दिन तक अगर हो गया नहीं दिखाई नहीं दे आसमान में तो हम बीमार हो जाएंगे, फसलें बढ़ना बंद हो जाएंगे, वनस्पति अपना भोजन CO2 प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा वनस्पति भी अपना विकास सूर्य के प्रकाश से ही करती है, जितनी भी ऊर्जा के स्रोत है पृथ्वी पर वो भी अपनी ऊर्जा कहाँ से लेते हैं, सूर्य से लेते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जैसे वर्ष की अवधि प्राप्त होती है 365 चार दिन में पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा लेती है, जिससे अब ऋतु परिवर्तन होता है, वर्ष की अवधि प्राप्त होती है, वायुमंडल में जलवायु गठबंधनों का निर्माण होता है सूर्य के द्वारा, सूर्य के द्वारा फिर रात छोटे बड़े होते हैं समझे, गर्मियों में दिन बड़ा होता है, सर्दियों में रातें बड़ी होती है, तो ये सब परिवर्तन किससे होता है, सूर्य की शक्ति से होता है, सौर शक्ति छठ प्रतिशत उस प्रकृति पर वनस्पति में जैविक जगत में जैविक और अजैविक घटकों में परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है नहीं, और यही इससे ही अपरदन चक्र चलता है, जो बाह्य शक्तियों द्वारा जो अपरदन चक्र जो सक्रिय है तो वो अपरदन चक्र के लिए जो शक्ति मिलती है वो भी सौर शक्ति से प्राप्त, गुरुत्वाकर्षण शक्ति गुरुत्वाकर्षण शक्ति से पृथ्वी परिभ्रमण कर रही है परिक्रमण कर रही है, लेकिन इसका पर्वत पठार मैदान समुद्र स्थल सब रूप में ठोस रूप ही है, द्रव रूप है, ऐसे रूप है, लेकिन ये सभी अपनी अपनी जगह पर स्थिर है, इतनी अस्थिर होने पर पृथ्वी परिक्रमण और परिभ्रमण कर रही है, तो ये तो अगर गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होती तो ये तो सब गिर जाते टूट करके गिर पड़ती नहीं, तो इस पर ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति सबको अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करती है, अपने किसी भी स्थल रूप को अपनी तरफ आकर्षित करती है, अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, और इसलिए वो जितने भी स्थल रूप है पर भ्रमण और परिक्रमण करती है पृथ्वी पर स्थिर अवस्था समझेंगे, और इसी से ऑक्सीजन है जिसको हम ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन हमारे जीवनदायिनी गैस है, श्वास कृषि श्वास इसी से चलती है, अगर ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति अगर पृथ्वी पर नहीं होती तो ऑक्सीजन भी वायुमंडल में निचले स्तरों पर नहीं होती, वायुमंडल स्वयं भी पृथ्वी के साथ बना हुआ है, इस वायुमंडल से जैव जगत की उत्पत्ति इस पर हुई और सभी ग्रहों पर वायुमंडल नहीं है तो वहां पर जीवन ही नहीं, तो वायुमंडल की उपस्थिति से ही जीवन पृथ्वी पर संभव हुआ है, तो ये वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर विद्यमान है, तो किस शक्ति के द्वारा विद्यमान है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा, जल है, जल ऊपर से हमेशा नीचे प्रवाहित होता है, तुमने कहीं देखा है कि नीचे से ऊपर को जा रहा है, क्यों ये किसके द्वारा होता है, तो कोई वस्तु को आसमान के ऊपर फेंकी वो नीचे की तरफ आती है, क्यों आती है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा, पृथ्वी अपने स्थान पर स्थिर है परिक्रमण परिभ्रमण करती हूँ, क्योंकि ये सभी ग्रहों में गुरुत्वाकर्षण शक्ति पाई जाती है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति से जो इस वस्तु जहाँ पर है वहीं वो स्थिर अवस्था में रहती है, उसमें स्थान विशेष पर ही परिवर्तन होता रहता है, ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति सौर शक्ति पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ बाह्य शक्तियाँ पृथ्वी के ग्रह के संबंध ये भौतिक कारक है, ये भौतिक कारक क्षण पृथ्वी पर परिवर्तन लाते रहते हैं, परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार है। दूसरी जो शक्ति है वो है मानव जैविक शक्ति, जैविक शक्ति में वनस्पति जीव जंतु और स्वयं मानव आता है, मानव शक्ति जैविक शक्ति और मानव शक्ति, जैविक शक्तियों में वनस्पति है, वनस्पति क्षण परिवर्तन लाभ भी रहती है, जिसकी जड़ पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाती है,
आंतरिक भाग में जाएंगे पेड़ पौधों को तो चट्टानों को तोड़ के चट्टानों का संगठन ढीला हो जाता है जिससे वो टूट जाती है बिखर जाती है, समझे नहीं। एक ये मिट्टी को रोके जड़े जो वनस्पति जड़े मिट्टी को बांधे रखती है जैसे मृदा अपरदन को रोकती है, समझे, मृदा का संरक्षण करती है। पेड़ पौधे वनस्पति पेड़ पर पत्तियाँ टूट करके नीचे गिरती है, नीचे गिर कर सेल गढ़ करके वो मिट्टी की उपजाऊपन को बनाती है, ह्यूमस तत्व की प्रधानता है, ह्यूमस को जन्म देती है। तो ये जैविक शक्तियाँ हैं, समझे, वनस्पति स्वयं परिवर्तनशील है, स्वयं परिवर्तन भौतिक शक्तियों स्वयं परिवर्तित होती है और स्वयं भी ये वनस्पति अपने संपर्क में आने वाली चट्टानों को अपने संपर्क में आने वाले क्षेत्र को प्रभावित करती, मानवीय क्रियाओं को भी ये प्रभावित करती है वनस्पति जगत। भाई वनस्पति जगह मानवीय क्रियाओं जहाँ बने वहाँ लकड़ी काटने का व्यवसाय जलवास पशुचारण है कि नहीं, समतल क्षेत्र है तो वो वहाँ पर कृषि क्रिया है, तो मानवीय क्रियाओं को भी ये वनस्पति प्रभावित करती है। वनस्पति से हमारी हमारी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, काटते टूटने सारी चीज़ें वनस्पति से आदि हमारे आदि दैनिक आवश्यकता चीज़ों की पूर्ति कहाँ से होती है, वनस्पति से होती है। हमारे पशु जगत तो वनस्पति पर ही निर्भर है, समझे, ये वनस्पति सर्वप्रचर बदलती रहती है और जैविक शक्तियाँ में वनस्पति है वो मानवीय क्रियाओं को प्रभावित करता है और भौतिक क्रियाओं को तत्वों को प्रभावित। जीव जंतु में मिट्टी को खोदते हैं, गुफाएं बनाते हैं, चूहा है, बिल्ली है, चमगादड़ है, शेर है, गीदड़ है, लोमड़ी है, चींटी है, दीमक है, ये जितने भी जीव जंतु हैं ये सब क्या करते हैं, पृथ्वी के अंदर घुसते हैं, मिट्टी चट्टानों को असंगठित करते हैं, टूटते टूटते मिट्टी के ढेर लगा देते हैं, गुफाओं ढोकला करते हैं, कहीं कहीं ये मिट्टी के उपजाऊपन को बनाए रखते हैं। तो ये जीव जंतु क्या है, निष्क्रिय नहीं रहते, कहीं ना कहीं परिवर्तन लाते रहते हैं, तो परिवर्तन के लिए जीव जंतु भी जिम्मेदार है। और तीसरा स्वयं मानव है, मानव जो कितनी क्रियाएं करता है, तुम जानते हो कहीं कृषि कर रहा है, कहीं उद्योग लगा रहा है, कहीं बंद लगा रहा है, कहीं बाग लगा रहा है, कहीं सड़क बना रहा है, कहीं रेल पर रेल का निर्माण कर रहा है, कहीं उद्योगों का निर्माण कर रहा है, कहीं कपड़े जूते चप्पल बना रहा है, कहीं हार्डवेयर ट्रैक्टर बना रहा है, बस हेलीकॉप्टर जलयान वायुयान आदि का निर्माण कर रहा है, कहीं खनन क्रिया कर रहा है, कहीं पृथ्वी के आंतरिक भाग से खोद खोद करके कहीं पेट्रोल निकाल रहा है, कहीं कोयला निकाल रहा है, कहीं लोहा अयस्क निकाल रहा है, कहीं तामा निकाल रहा है, कहीं टंगस्टन, कहीं मैग्नीशियम, और उनके रूप परिवर्तन कर रहा है। तो क्षण प्रतिशत मानव अपनी क्रियाओं के द्वारा क्या कर रहा है, पृथ्वी परिवर्तन स्वयं भी परिवर्तित हो रहा है और भौतिक तत्वों को भी प्रभावित कर करके उनको भी परिवर्तन में तब्दील कर रहा है। तो ये मानव शक्ति है, ये भी परिवर्तन आ रही है। आज से 20 वर्ष पहले यहाँ पर ये कोयले नहीं था, यहाँ पे कृषि क्षेत्र का आज ये एक इंस्टीट्यूट है, तो परिवर्तन आ गया ना, मानव ने यहाँ 3 मंजिला बिल्डिंग बना दी, पार्क बना दिए, पेड़ लगा दिए हैं, आवाज यहाँ 700-800 लड़का पड़ रहे हैं। तो ये परिवर्तन किसने लाया, मानव ने लाया, लेकिन किसके सहयोग से लाया, भौतिक तत्वों के सहयोग से, समझे नहीं, अपनी भौतिक या प्रौद्योगिक ज्ञान के द्वारा ये परिवर्तन ला दिया है। आज अब हो सकता है अगले 20 वर्षों में यहाँ और कुछ परिवर्तन हो जाए। तो ये परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन लाने के लिए ही कारक जिम्मेदार हैं। तो मैंने तुमको बताए भौतिक कारक हैं, प्रकृति के ग्रहीय संबंध, प्रकृति की आंतरिक शक्तियाँ, सौर शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ये सब भौतिक कारक हैं जो पृथ्वी पर परिवर्तन लाती है। दूसरा कारक है जैविक शक्ति जिसमें वनस्पति और जीव जंतु आते हैं जो क्षण परिवर्तन लाते रहते हैं। और तीसरी है मानव शक्ति, जो मानव है वो अपनी क्रियाओं के द्वारा क्षण प्रतिशत जैविक और अजैविक घटकों में, जड़ और चेतन पदार्थों में क्षण प्रतिशत परिवर्तन लाता रहता है, स्वयं परिवर्तित होता रहता है। अतः परिवर्तन प्रकृति का नियम है, यह मानव भूगोल का अटल सिद्धांत है। कल हम दूसरा सिद्धांत पार्थिव का सिद्धांत आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।